ऑफ पाई माइनस थीटा है ना. लेट्स बिगिन. सो लेट्स बिगिन विद यहां पर ये वाले फॉर्मूले अभी तक हमने डिराइव कर लिए हैं. सो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूले, ठीक है ना. अगला फॉर्मूला उसके डेरिवेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. तो द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू डिराइव वाज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा ये मुझे प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है. इसके लिए आई विल यूज दिस फॉर्मूला. कैसे? यहां पर मैं इसे बोलूंगा कि भाई तू थीटा है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? कॉस ऑफ वेट विल डू द सेम वे. मुझे इसको थीटा बोलना पड़ेगा. आई कॉल दिस टोटल, ये जो ब्रैकेट है उसको मैं थीटा बोल देता हूं. सो इफ आई राइट दिस फॉर्मूला हियर क्या बन जाएगा? यू नो दैट कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट इज इक्वल टू साइन ऑफ ब्रैकेट ना, है ना. ये वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं इधर, समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ ये साइन ऑफ इधर लिख रहा हूं मैं, तो वो कैसे बनेगा बताइए. हाउ विल दिस गोइंग टू बी? ये कुछ इस प्रकार बनेगा. दिस इज साइन ऑफ ब्रैकेट, है ना. व्हाट इज दिस ब्रैकेट? पाई बाय 2 माइनस थीटा. तो यहां पर क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा. समझ में आ गई बात? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? कुछ नहीं, इस ब्रैकेट को अब ओपन कर लो. व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? बोलिए क्या बनेगा वो ब्रैकेट? दिस विल बिकम कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 एंड माइनस माइनस प्लस थीटा. सो दिस गेट्स कैंसल. सो व्हाट यू गेट देयर? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. हो गया प्रूफ. अगला नेक्स्ट वन. उन्होंने सिमिलरली बोल के छोड़ दिया ना, तो ये हमने प्रूव कर लिया. आई गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ. देखो ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ आप जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे. अगला मुझे प्रूव करना है साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा. साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा ओके इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है. इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो इन दिस केस आई विल अगेन यूज दिस फॉर्मूला. ये वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, सेम फॉर्मूला, ठीक है. तो व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट? आई विल से कंसीडर cos of pi by 2 minus bracket is equal to क्या होता है? साइन ऑफ ब्रैकेट है ना. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ब्रैकेट. वो मैं पहले लिखूंगा ऐसे, साइन ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट. और इस बार मैं ब्रैकेट को क्या बोलने वाला हूं? ब्रैकेट को बोलूंगा पाई बाय 2 प्लस थीटा. समझ में आ गई बात? This is pi by 2 plus theta. समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए कि अगर यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो क्या मिलेगा? This is equal to cos of pi by 2 minus pi by 2 minus theta. So this pi by 2 gets cancelled. And what do you get there? Cos of minus theta. लेकिन we know the trigonometric ratios of negative angles. Cos of minus theta is cos theta. और वो फॉर्मूला प्रूव हो गया. व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा? कॉस थीटा. इज दैट, आप लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 36 बॉटम ऑफ द पेज, इज इट द सेम थिंग? बॉटम ऑफ द पेज लेफ्ट वाला कॉलम, इज इट द सेम थिंग? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसी प्रकार आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज टैन का उन्होंने दिया है ऊपर वहीं पे. लेकिन ये सब डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं. मैं आपको इस सब का एक शॉर्टकट देने वाला हूं आगे जाके. कौन से फॉर्मूले? पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 माइनस, इन सब का सिर्फ पहले दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है. बाकी उसके आगे के सारे फॉर्मूले का एक वेरी सिंपल शॉर्टकट आई एम गोइंग टू गिव यू, ठीक है. बहुत सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको देने वाला हूं, या फिर वो शॉर्टकट मैं अभी आपको बता ही देता हूं.
शॉर्टकट, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट शॉर्टकट नाउ। इस तरीके से आप तकरीबन 48 फॉर्मूले याद रखेंगे, वन सिंपल शॉर्टकट, टू स्टेप्स और वन सिंपल शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए अभी यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंगल्स बता सकते हो मुझे रेडियन में या डिग्री में? आई से दिस इज 0 डिग्री, इज दिस 90 डिग्री, इज दिस 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 360 डिग्री। ये एंगल्स अगर मैं रेडियन में लिखना है तो मैं रेड कलर से लिखूंगा, 0 रेडियन। व्हाट इज दिस? पाई बाय 2 रेडियन। रेडियन आप लिखो या सी लिखो या नहीं लिखो, वो रेडियन में होता है। दिस विल बी पाई रेडियन। एंड व्हाट अबाउट दिस? वेरी गुड, 3π/2, 3π/2 एंड 2π रेडियन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अच्छा, और एक इसके अलावा आपको एक चीज पता है, वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज ऑल सिल्वर टी कप्स, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, identify the quadrant and write down the sign plus या minus वाला sign of trigonometric ratio by ASTC rule, ASTC all silver teacups। तो पहले में आपको सिर्फ साइन लिखना होता है, पहला स्टेप। एंड दूसरा स्टेप देखिए गौर से, सेकंड स्टेप, राइट डाउन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय एक्सिस रूल। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस, एक्सिस रूल ये बोलता है, मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं एक्सिस रूल। आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्सिस रूल, ब्लू कलर से लिख रहा हूं उसको मैं। फॉर वाई एक्सिस, जिसके एंगल से पाई बाय 2 एंड 3π/2, 90 एंड 270, अगर ऐसा है तो फॉर वाई एक्सिस, द एक्सिस रूल सेज फॉर वाई एक्सिस साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन, सेक चेंजेस टू कोसेक एंड कोसेक चेंजेस टू सेक, tan changes to cot and cot changes to tan for y axis, and for x axis sin remains sin, cos remains cos and everything remains as it is x axis। Did you understand that? Do hi rules hai, pehle ASTC aur fir axis। Ab iska practice, I mean dekhte hain yahan par, ab hum isko apply karenge। Let's apply this now, ठीक है। उसको apply करने के लिए देखते हैं यहां पे। So let me just apply it here। Let's say application part of it, application example के तौर पर मैं आपको यहां पर पूछूंगा, what is sin of, आप इसको 90 डिग्री प्लस थीटा लिखिए या पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। यहां पर उसका आंसर मेरे पास अवेलेबल है, क्रॉस चेक कर रहे हैं शॉर्टकट से। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, तो थीटा इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, तो थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो 90 प्लस थीटा, ये रहा 90 एंड देन थीटा,
सो इट्स इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन इज पॉजिटिव. क्या ये साइन है? तो एसटीसी रूल के हिसाब से ये क्या होगा यहां पे? प्लस. प्लस ना. आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट एंड राइट डाउन. पहले में हमें मुझे सिर्फ साइन लिखना होता है, प्लस या माइनस. सो इज दिस प्लस? इज दिस प्लस? एग्री. अब दूसरा रूल, अब मेरे को दूसरा रूल अप्लाई करना है. यहां पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए कौन सा एक्सिस होता है जी? 90 डिग्री के लिए वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस में साइन चेंजेस टू कॉस. तो बस लिख लीजिए वहां पे कॉस थीटा. एंड इज इट सेम? अरे सेम है, सेम. ठीक है ना, करेक्ट है. और एक एग्जांपल. अब देखो, मैंने साइन का प्रूव किया था और ये भी देख लिया. टैन का देखते हैं क्योंकि हमने वो डिराइव नहीं किया है. यू सी वी हैवंट डिराइव दिस. सो टैन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा या पाई बाय टू प्लस थीटा. ठीक है. आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट. सेकेंड. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, मतलब टैन इज माइनस ना. टैन इज माइनस एंड 90 डिग्री मतलब वाई एक्सिस. तो टैन विल चेंज टू कॉट. चेक करो वहां पर टेक्स्ट बुक में. टैन ऑफ 90 प्लस थीटा, पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस. अरे करेक्ट है क्या? अगले कॉलम में दिया है, देखो मिल रहा है क्या. ठीक है. अब टैन ऑफ 90 माइनस थीटा देखते हैं. टैन ऑफ 90 माइनस थीटा. आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट. 90 माइनस थीटा. देखो ना, ये 90 है, उसमें से थीटा माइनस करो तो इधर आएगा ना. करेक्ट ना. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव. तो टैन भी पॉजिटिव. 90 डिग्री मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस पे क्या होता है? टैन चेंजेस टू कॉट. चेक करो. रुक ना, इसमें डाउट है. I'll take care of your doubts. Is this clear? इसमें कुछ डाउट है? करने का है. हाँ बोल ना. ओके. यहां पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा. मतलब 90 माइनस थीटा के 6 एंड 90 प्लस थीटा के 6. मतलब इधर के कितने फॉर्मूले हो गए? 12. सेम इज फॉर 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा. इधर के दिस इज 270 माइनस थीटा इधर आएगा एंड 270 प्लस थीटा इधर आएगा. इधर के 12 एंड 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा इधर के 12. तो टोटल 48 फॉर्मूले आएंगे. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए, अब इसमें से कोई भी दो फॉर्मूले यहां के हम चेक करते हैं, लिखते हैं अभी यहां पे. तुम लोग बताओ कौन से लिखने हैं. तुम LHS बताओ, हम सब मिलके RHS सॉल्व करेंगे. बताइए, सेक कोसेक कॉट कुछ भी एकदम डिफिकल्ट ले लो बिंदास. कम ऑन, कोई भी दो दो फॉर्मूले. पहले 180 का बताइए. 180 का बॉयज एक बताओ, गर्ल्स एक बताओ. 180 वाला कैन आई से सेक ऑफ 180 प्लस थीटा, सेक ऑफ 180 प्लस थीटा. और दूसरा कौन सा लिखेंगे? कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा. चलो ठीक है, बताइए. अब आप इस बताने का. देखो, पहले आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट. 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबा? टैन पॉजिटिव. इधर टैन है क्या? इधर क्या है? तो वो क्या होगा? वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप ओवर. सीक्वेंस याद रखिए. अब दूसरे स्टेप में क्या है? एक्सिस रूल.
180 डिग्री एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में साइन रहेगा साइन, दैट्स इट। समझ में आ गया? अब आप अप्लाई कीजिएगा दूसरा वाला 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट, नहीं क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इधर क्या है कॉट, क्या होगा फिर माइनस 180 डिग्री एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या बोलता है सब अपनी जगह पर, कॉट रिमेन्स कॉट, दैट्स इट। ऊपर का ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज प्रिंटिंग सेक्स सेक्स, सॉरी, इज दिस ओके? 270 वाला कोई दो बताओ ना, कोसेक कोसेक 270, ओके और कोई, और साइन टेन ऑफ, ओके 270 प्लस थीटा, चलिए वेरी गुड। पहले 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबा, ऑल सिल्वर टी टेन पॉजिटिव, कोसेक कोसेक क्या होगा, वेरी गुड माइनस, नहीं खत्म, अब ये एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, 270 डिग्री मतलब कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या होता है बाबा, कोसेक चेंजेस टू सेक, समझ में आया? और इधर टान, टान ऑफ 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो टैन क्या होगा माइनस, वाई एक्सिस कॉट थीटा, इज दिस क्लियर? 360 के यहां पे अगला वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू डिराइव इज गिवन एज थियरम 4 and that formula is sine of a plus b, sine of a plus b, ये मुझे चाहिए, ठीक है? पहले sine of a minus b, not a plus b, theorem 3, sine of a minus b, ठीक है? So ये मुझे derive करना है, I want to find out what is sine of a minus b, ये डिराइव करने के लिए आई विल कंसीडर फॉर्मूला, कंसीडर व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, सो इज दिस साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज साइन थीटा, नाउ पुट थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्या बनेगा पुट थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, और ये इधर लिखेंगे और ये इधर लिखेंगे, एल एच एस आर एच एस एक्सचेंज करके, सो दिस विल बिकम साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस ए माइनस बी, इज दिस क्लियर? इसको रीअरेंज करना चाहूंगा, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस बी, कैन आई से सो, एंड हियर आई यूज द फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी, डू यू नो दिस फॉर्मूला, कॉस ऑफ इस ब्रैकेट को मैं ए बोल दूंगा यहां पे, एंड दिस इज बी, इज दिस ओके? सो व्हाट इज दैट इक्वल टू, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इज दैट अंडरस्टूड? अप्लाई कीजिएगा यहां पे, क्या मिल जाएगा टेल मी प्लीज, this will become cos of a, a बोले तो bracket pi by 2 minus a cos b minus sin of pi by 2 minus a into sin b, is this clear? Yes. But we also know this formula, ये क्या है, what is this formula, cos of pi by 2 minus a and sin of pi by 2 minus a, first quadrant, cos of pi by 2 minus theta sin theta, that is sin a, and sin of pi by 2 minus a, first quadrant all positive,
ये भी पॉजिटिव आएगा एंड 90 डिग्री सो साइन विल चेंज टू कॉस. इज दिस क्लियर? और बाकी एज इट इज रहेगा. सो दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इज दिस अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर टू ऑल? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला सेज साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो लेट अस पुट इट इन द बॉक्स. एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह इसमें याद रखेंगे जो हमें एक्चुअली डिराइव करना था यहां पे. दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. देखिए कॉस में क्या होता है, ये बीच वाला साइन चेंज होता है. साइन में साइन ए कॉस बी, अगर यहां पर माइनस है तो इधर ही माइनस भी होगा, यहां पर माइनस ही होगा. इसी प्रकार हम जो अगला डिराइव करने वाले हैं वो सेम दिखने वाला है फॉर्मूला. इट सेज साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी. इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही होगा, कॉस ए साइन बी. कॉस में साइन उल्टा हो जाता है, साइन में साइन सेम रहता है लेकिन साइन कॉस साइन ऐसा करना पड़ता है. इज दैट अंडरस्टूड? सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू डिराइव. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? इसी तरीके से करना है वो भी. सो कैन आई स्किप दिस फॉर्मूला डेरिवेशन? इसका डेरिवेशन मैं आपको स्किप करके आगे बढ़ सकता हूं क्या? इसी तरीके से करना है वो, सेम तरीके से. देखिए डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फॉर्मूला. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि भाई इस तरीके से हम उसको डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया, साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी हो गया. अब टैन ऑफ ए प्लस बी एंड टैन ऑफ ए माइनस बी. सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी गो फॉर इज टैन ऑफ ए प्लस बी एंड टैन ऑफ ए माइनस बी. सो दैट्स थियरम फाइव. थियरम फाइव क्या है? टैन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, वो डिराइव करना है मुझे. The way I told you, I want to derive that. ठीक है, उसको मुझे derive करना है. तो let's consider now. तो यहां पर इसके लिए मैं consider करूंगा tan of a plus b. Tan of a plus b is actually equal to sin of a plus b upon cos of a plus b. सही है? कॉस ऑफ ए प्लस बी. अब इन दोनों के तो फॉर्मूले आपके पास है ही अवेलेबल, बराबर है क्या? यू ऑलरेडी हैव द फॉर्मूले विच आर देयर फॉर दीज टू. कैसे लिखेंगे? व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये हो गया आपका न्यूमरेटर, सही है? और डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करना है. cos a cos b माइनस cos a सॉरी sin a sin b. sin a sin b. चलिए ठीक है. अब ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसे किसी चीज से मैं डिवाइड करूंगा. क्यों? अच्छा लगता है, सिंप्लीफाई हो जाता है वो. So I'll divide both the numerator and denominator by cos A cos B. किस चीज से डिवाइड करेंगे? cos A, तो इधर भी cos A cos B से सेपरेट करके लिखूंगा उसको. इज दिस ओके? इधर भी cos A cos B, यहां पर भी और यहां पर भी. एनी डाउट्स अबाउट दैट? दिस इज cos A cos B, दिस इज cos A cos B. Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या बचेगा यहां पे? दिस कॉस ए गेट्स कैंसिल, कॉस बी गेट्स कैंसिल. ये कॉस बी गया, ये कॉस ए गया और इधर कुछ नहीं गया. तो व्हाट रिमेंस देयर?
साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए एंड टैन बी. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर टैन ऑफ ए प्लस बी. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सबको ये? टैन ए टैन ऑफ ए प्लस बी, हाउ डू वी रीड दिस? यू विल नॉट रीड इट एट टैन ए प्लस बी, नो. टैन ऑफ ए प्लस बी, इसे आप टैन ए बोलिए, इसे टैन बी बोलिए, लेकिन वेन समथिंग इज देयर इन द ब्रैकेट यू विल रीड दिस ब्रैकेट इज टैन ऑफ ए प्लस बी. टैन ऑफ ए प्लस बी, यू कांट से टैन ए प्लस बी. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो दिस इज गोइंग टू बी, स्पीक करेक्ट इंग्लिश. मैं मराठी मीडियम से हूं, लेकिन मेरा अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज हेल्प मी आउट. ठीक है, सो दिस इज टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? सिमिलरली, कैसे? सिमिलरली यू कैन राइट टैन ऑफ ए माइनस बी. अब रूल क्या है देखिए, यहां पे रूल यहां पे है, इधर प्लस है तो इधर प्लस है और इसका अपोजिट इधर है. तो आप बताइए मुझे क्या होगा ये? टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी. इज दिस ओके? एनी डाउट्स? इज दैट क्लियर? समझे? सिमिलरली तो अभी हमारे पास कितने सारे फॉर्मूले आ गए, बहुत सारे, लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए माइनस बी एंड ऑल द शॉर्टकट्स. इन सबको कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले. ए प्लस बी ए माइनस बी ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूली, ये हो गया हमारे. एनी डाउट्स अबाउट दैट? एंड हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, इसको कई बार कंपाउंड एंगल्स भी कहते हैं. मेनी टाइम्स वी कॉल दिस एज कंपाउंड एंगल फॉर्मूली. कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, इनको एड करिए सब्ट्रैक्ट करिए, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल. So we call this formula as compound angle formula. Is that clear to you all? समझे? इसके आगे जाके हमारा first exercise जो होगा third chapter का, वो इसके ऊपर based होगा. All these formula, compound angle formula, negative formula, ठीक है, इसके ऊपर होगा. After that, we'll have that allied angle formula. सेकेंड एक्सरसाइज विल बी बेस्ड ऑन अलाइड एंगल. व्हाट डू यू मीन बाय अलाइड एंगल? तो कंपाउंड एंगल के ऊपर होगा हमारा एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 जो एक्सरसाइज होगा वो होगा अलाइड एंगल. व्हाट डू यू मीन बाय अलाइड एंगल? ऑल दोस 48 फॉर्मूले, 48 फॉर्मूले इसके ऊपर होगा सेकेंड एक्सरसाइज. सो राइट नाउ वी आर इन द पोजिशन टू गो फॉर एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 बोथ. इज दैट क्लियर? इसके बाद होगा तुम्हारा थर्ड एक्सरसाइज विच इज गोइंग टू बी द 3.3 जो है वो डबल और ट्रिपल एंगल के ऊपर होगा, डबल ट्रिपल एंगल, लेकिन वो अभी तक हमने किया नहीं है. ठीक है, सो एट प्रेजेंट वी आर इन द पोजीशन टू सॉल्व दीज टू एक्सरसाइजेस. आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हो, 3.1 एंड 2 ट्राई कर सकते हो. इज दैट क्लियर? आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे. लेकिन आप बैठे रहिए अपनी जगह पर.